दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है मैं क्या सोचता हूँ। सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है जो रियलिटी में होते कुछ और है और दूसरों को अपनी इमेज कुछ और बता दे। दे ट्राई टू बिहेव समथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बेसिकली उन लोग को एक डर होता है, इट्स लाइक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनफैक्ट मैंने बहुत से लोगों को ऐसे को भी देखा है जो रियलिटी में दिखते अलग है या रहते अलग है, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि लगता है कि इनकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज एंड व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, आई यूज्ड टू एक्ट डिफरेंट। बेसिकली मैं वैसा नहीं था जैसा रियलिटी में मैं था। मैं अपने टीचर्स को या फ्रेंड्स को या फिर यू कह लो कि मैं अपने जूनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा बनने की कोशिश करता था जो मैं एक्चुअल में था ही नहीं। आई ट्राई टू बिहेव डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स इवन ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लेटर ऑन इन माय लाइफ आई डिस्कवर्ड दैट कि नहीं, मुझे अपने आप को चेंज करने की बहुत जरूरत है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो मजा सोबरनेस में है वो मजा फेकनेस में नहीं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरे हालात खराब थे इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैं एक शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है MN हेमंत कुमार। एक 12वीं पास लड़का जिसके पिताजी एक किसान है, एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता है ये लड़का। इसने आज YouTube और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपना जो मुकाम हासिल किया है वो सच में हैट्स ऑफ है। ये लड़का आज के टाइम पे लाखों में कमा रहा है। खैर, मैं सक्सेस को पैसे से नहीं तोलना चाहता हूं, बट हाँ, ही हैज चेंज हिज लाइफ, ही हैज चेंज हिज फैमिलीज लाइफ। दिस पर्सन हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। द रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ओनली। मैं बहुत समय से YouTube पे वीडियो बनाना चाह रहा था, मेरा मन था, बहुत कंटेंट मैंने लिखा हुआ भी था, बट कहीं ना कहीं मैं हर बार रुक जाता था कि मैं यही सोचता था कि मे बी नेक्स्ट ईयर या मे बी बाद में। बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे आज ही शुरू करना है और अभी शुरू करना है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद दिस गाय। कई दफा मैंने सुना है लोग कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लेकिन इस इंसान ने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, रिसोर्सेज खुद ब खुद आपके पास चले आते हैं। ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग गाय। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार इनके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, इनके एक से दो वीडियोस देखें, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। देयर इज वन मोर थिंग, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट मिनिमलिज्म और नॉट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, बट इंडिया में बहुत कम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया है। मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्री विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड ऑन नेटफ्लिक्स ऑल्सो। उसका नाम है मिनिमलिज्म, द डॉक्यूमेंट्री ऑफ लिविंग विद इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओनली। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्री है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये सिखाता है कि इंसान को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हर एक चीज की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पर्सनली खुद ऐसा फील करता हूँ कि कई दफा मैं ऐसी चीजें खरीद लेता हूँ जिसकी मुझे जरूरत होती नहीं है, देन लेटर ऑन आई फाइंड आउट कि मैंने इस चीज पे खर्चा किया, वो मेरा वेस्ट है। सो कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट्री से मैं ये सिखाऊं कि आपको अननेसेसरीली अपनी लाइफ में उन चीजों को ऐड करने की जरूरत नहीं है जिससे आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, या फिर यू कह लीजिए कुछ चीज आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट, इस वीडियो का आज यही समाप्त करते हैं। सो बेसिकली इस चैनल, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। इस चैनल पे आपको इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड सभी टाइप के वीडियोस मिलेंगे। इन्फोटेनमेंट मींस जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं भी पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे आगे अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।